यहाँ पर घात लगाकर अंग्रेजों पर नजर भी रखते थे और यहाँ से निशाना भी लगाते थे। देखिए यहाँ पर एक गुफा है और गुफा के रास्ते से होते हुए मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। पत्थर को ढकेल देते थे अंग्रेज लोग, मतलब चढ़ने के बाद पत्थर नीचे ढकेलते थे। हाँ, नीचे। हमारा झारखंड राज्य स्वतंत्रता सेनानियों की वीर भूमि है, जिन वीरों के खून से इतिहास रचा गया है। आज आपको मैं गुमला जिला के ऐसे ही वीर स्वतंत्रता सेनानी बख्तर साय और मुंडल सिंह की उस खूनी संघर्ष को दिखाऊंगा, जिसकी कहानी इस पहाड़ की एक एक पत्थर आज भी बयां कर रही है। मौका था आज स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान दिवस का। इस मौके पर रौतिया समाज की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, साथ ही रक्तदान शिविर भी रखा गया और मैं निकल पड़ा इस गर पहाड़ के उस सच्चाई और खूनी संघर्ष को दिखाने के लिए जिसे आपको जानना चाहिए। यह है गांव वासुदेव कोना, जिसका काफी पुराना इतिहास रहा है। यह चट्टानों से भरा हुआ पहाड़ वासुदेव कोना गांव के पास स्थित है और उस समय नवागढ़ शासन का तत्कालीन केंद्र वासुदेव कोना था, जहां के जमींदार बख्तर साय और वैद्यनाथ सहाय एक अत्यंत स्वाभिमानी, न्यायप्रिय, धार्मिक आस्था रखने वाले शासक थे और अंग्रेजों के खिलाफ खूनी जंग ऐलान कर दिया था। सन 1812 में नवागढ़ का यह क्षेत्र काफी जंगलों से भरा हुआ था। लेफ्टिनेंट डोलेल द्वारा अपने अंग्रेजों के साथ बख्तर साय और मुंडल सिंह को पकड़ने के लिए पूरे नवागढ़ को घेरा गया था, जिसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी चली, जिसमें एक अंग्रेज अफसर मारा गया। गोली के छर्रे के निशान आज भी यहां के पत्थरों में दिखाई देते हैं। इस पहाड़ के गुफाओं में काफी दिन तक बख्तर साय मुंडल सिंह थे, जिसे ग्रामीणों ने बताया। यहाँ पर मेरे ऊपर भी पत्थर है, साइड में भी पत्थर है, सिर्फ एक व्यक्ति आने की जगह है और इस तरीके से इस रास्ते से मैं अंदर की तरफ घुस रहा हूँ। सोचिए कितना संघर्ष करना होता होगा, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ है, सुरक्षित है, रहने के लिए जगह है। और कहाँ पे है गुफा बोले? हाँ, यहाँ से। अच्छा, लाइट नहीं है, एक छोटी सी ये भी गुफा है और एक गुफा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों गुफा है। क्या बोले? यही गुफा से, यही गुफा से नीचे वीर बख्तर साय मुंडल सिंह अपना निशानी के लिए। अच्छा, इसी गुफा से मतलब पार हुए थे, ऐसा इन्होंने बताया। बख्तर साय और मुंडल सिंह देखिए अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इस तरीके से वो यहाँ पर रहते थे। और एक गुफा नहीं बल्कि सैकड़ों गुफा है और हम जहाँ तक जा सकते हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खतरा काफ़ी है मगर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर लता भी है पेड़ों की, और देखिए गांव के ही एक व्यक्ति हैं, वो बता रहे हैं ऊपर चढ़ के इन्हें लताओं के सहारे वो चढ़ते थे, क्योंकि ये बात काफी पुरानी है। मगर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा मुश्किलें हो रही है हमें चढ़ने के लिए। और पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में है, चोटी में है। इस पहाड़ के गुफाओं में काफी दिन तक बख्तर साय मुंडल सिंह थे और ग्रामीणों ने बताया कि धान कूटने के लिए जगह जगह पर पत्थरों में गड्ढे, जो कि आज भी मौजूद हैं, और साथ ही यहां पर कई शिवलिंग भी मिले हैं। त्रिदेव स्वरूप ये कभी किसी के नजर में दिखता भी है, कभी छिप भी जाते हैं। ये अंतर्यामी शंकर जी हैं। रायडी प्रखंड में एक ऐसे पहाड़ पर हूँ जिस पहाड़ की कहानी, जिस पहाड़ का इतिहास आपको स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाएगा। यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा होगा एक गड्ढा है और सामने इस तरीके से दीवार बना हुआ है। यहाँ पर
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बख्तर साय और मुंडल सिंह, जो इसी पहाड़ में रहते थे और यहाँ पर घात लगाकर अंग्रेजों पर नज़र भी रखते थे और यहाँ से निशाना भी लगाते थे। देखिए ये उस समय का बनाया हुआ है और ये मिट्टी भी है, इसमें छोटे छोटे कंक्रीट भी नज़र आ रहे होंगे आपको इस तरीके से। ये सबसे ऊंची जगह पर है और पत्थर भी यहाँ पर रख कर इसे बनाया गया है। और सामने से देखेंगे, अगर इधर से देखें तो यहाँ पर छेद है, यहाँ पर नीचे सर रख कर सामने वहाँ पर दूर से अंग्रेज किधर से आ रहे हैं सभी चीज़ों को वो नज़र रखते थे। इस पहाड़ पर कई चीज़ें देखने को मिलेगी और आपको एक एक चीज़ का मैं यहाँ पर वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। आपको देखने को मिल रहा है साक्षात ही तो उस समय का मिट्टी का दीवार बना है। और भी कोई जगह है यहाँ पर इस तरीके से? उत्तरी छोर का ये है और इधर दक्षिणी छोर में आर्य को दीवार है। तो है दक्षिणी छोर में जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए काफी मुश्किल से चढ़ान चढ़कर हमें उस छोर जाना है और वहां पर भी अंग्रेजों पर नजर बनाए रखने के लिए वहां पर बख्तर साय मुंडल सिंह के द्वारा एक बनाया गया है, उसी को आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा ध्वस्त हो चुका है लेकिन आपको ये दीवार जो है साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये मिट्टी की दीवार है। देखिए ये इस तरीके से सीधे दीवार है क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है, काफ़ी साल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर पैर के फिसलने का। यहाँ देखिए इस तरीके से पत्थरों को जोड़ा गया था, पत्थर की ये जॉइंट है, ये देखिए ये पत्थर इस तरीके से इस पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से में इस तरह से जॉइंट किया हुआ था और इसी पर घात लगा के इधर अंग्रेज पे नज़र बनाए रखते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। मैंने उधर भी दिखाया आपको, इधर भी दिखाया और कई ऐसी जगह हैं यहाँ पर, लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है मगर गांव के लोग कहते हैं कि गांव अब भी उतना विकास के रास्ते पे नहीं आ पाया है। तो मैं इस गांव की भी आपको खबरें दिखाऊंगा लगातार कि क्या स्थिति अब इस गाँव में बनी हुई है, क्योंकि गुमला जिला का जब भी जिक्र आता है तो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे बख्तर साय मुंडल सिंह, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। जब उनका आगमन चुनाव के समय हुआ था तो उन्होंने जयकारा भी लगाया था, लेकिन विकास कितनी हुई है इन गांवों की उसकी हकीकत और उसकी सच्चाई मैं आपको उन गांव में जाकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इन पहाड़ों की भी हकीकत आपको जानना जरूरी है कि इस पहाड़ों का जो इतिहास रहा है उसे आप सभी को उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके उनके जीवन और उनकी वीर गाथा को भी जानना अत्यंत ही आवश्यक है। जो ये चट्टान से जो उसका खून बहा वो नीचे जाके मतलब इकट्ठा हुआ है, इसलिए रकत बंध नाम से बोलते हैं। 23 मार्च 1812 को इसी पहाड़ से बख्तर साय और मुंडल सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 4 अप्रैल 1812 को कोलकाता के फोर्ट विलियम में उन्हें फांसी दे दी गई। मगर आज उनका गौरवपूर्ण इतिहास की वीर गाथा गुमनाम गलियारा में खोसा गया है, जिसे राज्य सरकार को ध्यान देना होगा और इस तरह के जगहों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना होगा। अगर मेरी वीडियो मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी तो चैनल के साथ आप बने रहें। मिलते हैं किसी नए खबर और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।